पहले तो मैं आप सभी को, पूरे देश को और अरुणाचल प्रदेश के सभी भाई बंधुओं को आज के दिन की शुभकामनाएं देता हूं। आज हम लोगों ने यूनिटी रन किया है और आप सभी जानते हैं कि ये यूनिटी रन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पे हम लोग करते हैं। ये आज 31 अक्टूबर है, 31 अक्टूबर 1875 की बात है जब हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लौह पुरुष भी कहते हैं, उनका जन्म हम लोग मना रहे हैं, जन्म दिवस मना रहे हैं। और इस जन्म दिवस पे कुछ मैसेज बड़े क्लियर हैं। आप देखेंगे कि आज हमारे इस समारोह में मुझे लगता है कि 80 वर्ष से ज़्यादा जो सीनियर सिटीजन हमारे डॉक्टर ताजिन दाबी हैं यहाँ पे हिस्ट्री विभाग में, इतिहास विभाग में, उनकी मम्मी हैं, उनको मैं अक्सर देखता हूँ इस कैंपस में टहलते हुए। तो मुझे कभी कभी लगता है कि हम सभी पदों पर रहने वाले लोगों को बुला के सम्मान देते हैं, लेकिन उनका क्या, जिन्होंने जो अभी अपनी बातें नहीं कहते हैं लेकिन इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। तो सीनियर सिटीजन में आज हमने मम्मी को बुलाया है और उनका हम स्वागत करेंगे, उनसे सुनेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने जीवन कैसा देखा। सरदार पटेल की बात करें हम, जैसे कि आप सभी को सूचना है, आप सभी जानते भी हैं कि जब देश आज़ाद हुआ तो उसका जो रोड मैप था वो बहुत स्ट्रेट नहीं था। सबके सपने में देश आज़ाद हो, ये विचार चल रहा था और देश को आज़ादी मिली जब आप संग्राम की एक रूपरेखा देखेंगे तो, लेकिन उस रूपरेखा में देश कैसे चलना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा विस्तार से नहीं हो पाई। ऐसा नहीं था कि चर्चा नहीं हुई, लेकिन चर्चा विस्तार से नहीं हुई। तो एक मुश्किल आई कि हमारे यहाँ 400 से ज़्यादा, तकरीबन 500 के आसपास प्रिंसली स्टेट थे। जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया तब ये सारे छोटे छोटे रजवाड़े थे, प्रिंसली स्टेट थे, जिनकी संख्या 400 से ज़्यादा थी। अब देश आज़ाद हुआ तो ये सारे के सारे प्रिंसली स्टेट आज़ाद हो गए, तो फिर रिपब्लिक कैसे बनेगा? ये जो आज भारत का स्वरूप हम देखते हैं, इतना बड़ा क्षेत्रफल है, इतने स्टेट्स हैं, पहले तो ये स्टेट्स छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट, जैसा मैंने बताया 400 से ज़्यादा स्टेट से। मेरी तरफ से बस मैसेज ये रहेगा कि एक साथ हम प्यार से रहें। बहुत सारे, जीवन बड़ा छोटा है, बहुत लंबा जीवन नहीं है। अगर देखा जाए तो बायोलॉजी के हिसाब से भी 70 साल 65 साल का जीवन है, उसमें हम आधे से ज़्यादा वक्त अपने आप को सोने में लगाते हैं। वो तो आप जानते हैं कि दिन में कम से कम आदमी 7 घंटे सोता है, फिर अपने आप को सजाने में लगता है। तो हमारे पास 5-6 घंटे होते हैं, 8 घंटे होते हैं, जिसमें हम अच्छे कार्य कर सकते हैं, एक दूसरे का ध्यान रख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सभी को अपनी सोच को स्थिर करने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सोच बदलने की आवश्यकता है, लेकिन स्थिर करें जो भी आप कर रहे हैं उसको करने से पहले, क्योंकि इस जो कार्य है या शब्द हैं अगर वो मुंह से निकल जाते हैं तो फिर वो आपके बस में नहीं रहते। तो ये अपना काम करते हैं, और शब्द बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वर्ड्स जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं वर्ड्स में जान होती है। दिखने में ये तो बड़े सरल सी बात है, इन्हीं शब्दों से हम आपको रुला सकते हैं, हंसा सकते हैं और जोड़ सकते हैं। तो मेरा ये विचार है कि बोलते समय संयम बरतें, अपने कार्यों में थोड़ी सी हम मैच्योरिटी लेकर काम करें और जो कर रहे हैं उसमें और इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ। बस इतनी सी एक संदेश रहेगा। थैंक यू। टुडे ऑन दिस ऑस्पिशियस डे आई एम ऑल्सो गोइंग फॉर सुपरनेशन आफ्टर सर्विस ऑफ 40 ईयर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। When I came to Arunachal Pradesh, there are only 5 districts are there. Now I am finding that 25 districts are there. I first joined from Jawaharlal Nehru University to Jawaharlal Nehru College, Pasighat. In fact, this was the only college at that time. And now our university has 45 affiliated colleges. I joined in the university in 1994. In fact, that time the university only 6 departments were. That time this residents of this Rano Hills were less than the number of elephants were moving. This field which you're watching, in the daytime that teachers and the employees used to play, and in the nighttime elephants used to play. So we have a lot of challenges. Now the university is developing quite fast. I'm very happy to see it. Now the university has more than 40 departments and 12 faculties and around 3,000 students. University is really very developing quite fast.
I am basically a professor in economics. So in the language of economists, I will tell, you know, university is in the fourth stage of development. That is, university has already reached the take-off stage. Now it is moving towards the age of maturity. So I hope that, you know, my dream is that our university should become one of the topmost universities in India. So let us come forward and make the university one of the topmost universities in India. Thank you very much and hope for the best. I am going for Super Nation. My future generation will be there. They will look after it. Thank you very much.